देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में आल गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और युवा भीमसेना ने संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय में डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अनिल कुमार ने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या को इंसानियत को शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि एससी एसटी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विधायक और मंत्री सरकार के दलाल बने बैठे हैं, जिसके चलते विधानसभा में इस मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा। क्राइम स्टोरी के लिए संवाददाता शशि कुमार की रिपोर्ट। और आज हमने गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और युवा भीम सेना की तरफ से आसिफा का जो मर्डर है वो हुआ, उसके रिलेटेड जो है हम सभी साथियों ने एसटी एससी ओबीसी रिलीजियस माइनॉरिटी और होल कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं हमने सब ने मिलकर एक प्रोटेस्ट रखा और अपना विरोध जो था सरकार के खिलाफ, जो हमारे भीतर जो गुस्सा था, एक 8 साल की बच्ची को रखा जाता है और 8 दिन तक उसका रेप किया जाता है, ये इससे पूरी इंसानियत जो है वो शर्मिंदा हो जाती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो एक ये कहती है और जो डिपार्टमेंट है कंसर्न जो ये वो कहता है कि एक 15 साल का बच्चा जो है ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे ये जितना भी ये क्राइम हुआ उसके पीछे एक 15 साल का बच्चा है। तो हम सब ये जानते हैं कि 15 साल का बच्चा जो है ये इतना बड़ा क्राइम जो है वो नहीं कर सकता। हमारी मांग ये है, हमारा गुस्सा ये है कि जो रियल कल्प्रिट हैं, जो संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे काम कर रही हैं, उनको बाहर निकाला जाए और जो रियल कल्प्रिट हैं उनको सजा दी जाए। और हमारा ये प्रोटेस्ट गली गली तक होगा, नुक्कड़ नुक्कड़ तक होगा। आज हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया है, हमारे तालिब भाई जो है वो जम्मू में कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे जो साथी हैं वो इस आवाज़ को वो है घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और ये सिर्फ एक उस घर का सवाल या उस बच्ची का सवाल नहीं है, आज आसिफा के साथ ये हुआ कल हमारी बच्ची के साथ हो सकता है, कल मेरी बहन के साथ हो सकता है। हम सबको उसको इंसाफ दिलाने के लिए है वो सामने आना चाहिए और उन जो जो कल्प्रिट्स हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा क्राइम जो ऐसा घिनौना क्राइम जो है वो आगे हमारे समाज में ना हो। क्योंकि ऐसे क्राइम से जो है सिर्फ एक ही आदमी सफ़र नहीं होता, पूरी सोसाइटी सफ़र होती है, पूरी सोसाइटी में वायलेंस फैलता है, पूरी सोसाइटी में डिस्टर्बेंस फैलती है। और खासकर जो एसटी के एमएलए हैं, एससी के एमएलए हैं, जो दलाल बन के असेंबलियों में बैठे हैं, हमारे वोट तो वो ले जाते हैं लेकिन आज इस बच्ची की आवाज़ वो है असेंबली में नहीं गूंज रही है। क्यों नहीं गूंज रही है? क्योंकि आज वो उन पार्टियों के पॉलिटिकल पार्टियों के पिट्ठू बन चुके हैं। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।